Tosa Maidan is a meadow. It signifies beauty, calm, greenery, scenery. देखिए, गुलमर्ग एक स्पॉट है, सनमर्ग या पहलगाम एक छोटा सा स्पॉट है। ये सारे गुलमर्ग, सनमर्ग, पहलगाम, ये सारी मिला के अगर आप लाओगे तब भी तो उस मैदान के बराबर नहीं आएंगे, लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात जो इसको लगती है वो पानी के हिसाब से। वहां हर जगह से पानी आपने देखा होगा, चश्मे निकलते हैं। गवर्नमेंट से कह दिया कि ये आप लोगों के लिए नुकसान नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के खजाने में भी इससे बढ़ती हो जाएगी, बल्कि गवर्नमेंट खजाने को भी इससे फायदा है। क्योंकि कल को जब यहाँ पे टूरिज्म अच्छे तरीके से चलेगा, यहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपया आएंगे और उसमें गवर्नमेंट का एक खासा हिस्सा होगा, गवर्नमेंट को भी फायदा है और यहाँ के आवाम को भी फायदा है। रूरल टूरिज्म ताकि ये लोकल फायदे तुलन, मकान ठीक कर, कमर जी कमर ओर ठीक कर, बाथरूम लैट्रिन बाथरूम ठीक कर, ताकि टूरिस्ट दोस मैदान मे फे चक्र गगैरह हुए सह ग होम स्टे कर ताकि अमिस घर वालस मिले अमुक यह रोजन त गाइड ती खन चेन इंतजाम ती बहन ती ताकि गरीब लोग डेवलप। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जब हम इसका बॉर्डर लाइन लेंगे तोसा मैदान का, तो जो फर्स्ट लाइन में आते हैं 16 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल एडजॉइनिंग टू तोसा मैदान माउंटेन है। उन 16 गांव में से वो टोटल 64 विलेजेस हैं जो डिपेंडेंट थे इसके, तो 8 गांव में फर्स्ट फेज में कैसा होगा कि वहां पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम के तहत कुछ घर डेवलप किए जाएंगे और लोग जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे उन घरों में रहेंगे और उनको पे करेंगे, देन वो हायर करेंगे उनसे पोर्टर्स, पोनीज और गाइड्स और वो एडवेंचर के लिए जाएंगे। जो तोसा मैदान बेलट है, मिडो है, सिर्फ वहां रोड एक जगह तक बनेगा, एक पॉइंट तक, जिसको दमदम कहते हैं, दमदम तक रोड रहेगा, उसके ऑनवर्ड्स रोड नहीं होगा और उसके ऑनवर्ड्स रूरल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म ही होगा और उसमें किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होगी, कोई कंक्रीट कंस्ट्रक्शन उस, क्योंकि वो एक 64 पंचायत ने जॉइंटली एक डिक्लेरेशन की थी कि नो टू कॉर्पोरेट ड्रिवन और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स टाइप टूरिज्म। तो वहां लोग आएंगे, टेंट्स में रहेंगे और जो लोकल हट्स है, डोक्स है, उनको डेवलप किया जाएगा इंटीरियरली और बाहर से वो हट ही रहेगा। अभी पहले फेज में 100 ऐसे हट्स डेवलप किए जाएंगे, जो आ सकते हैं वो वहां रह सकते हैं, जो आ सकते हैं वो टेंट्स में रह सकते हैं, लेकिन किसी की टूरिज्म, वो टूरिज्म जो गुलमर्ग में है या पहलगाम में है, बिल्डिंग टूरिज्म नहीं होगा, वहां स्ट्रक्चर, सीमेंटेड स्ट्रक्चर नहीं होंगे और जो भी होगा वो गांव में होगा। इस वक्त हम तोसा मैदान के सबसे खूबसूरत लेक बांडरसर के पास मौजूद है। तोसा मैदान से 4 घंटे का ट्रैक यहां तक कर सकते हैं और यहां मल्टीपल बहुत सारे लेक्स मौजूद है, जैसे ये बांडरसर, वहां पे लोकुटगाड़ सर, बोडगाड़ सर एंड खारा सर और इसके बाद दमाम सर। तो एक दिन में ये 4-5 सर आप ट्रैक कर सकते हैं। आप सब आइए और इसका लुत्फ उठाइए।
75 डेस्टिनेशन, नई डेस्टिनेशन को ऑर्बिट डेस्टिनेशन बोलते हैं, जहां कोई ज्यादा अभी तक जो है टूरिस्ट एक्टिव नहीं हुआ लेकिन टूरिज्म पोटेंशियल ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन कोलाबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें तोसमैदान जो है बड़े टॉप पे है और यहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल जैसा कि आपने खुद ही बताया, यहाँ ट्रैकिंग का स्कोप काफी अच्छा है, एडवेंचर टूरिज्म का काफी अच्छा स्कोप है और अभी तक जितना इसका पोटेंशियल है उतना हमने जो है पब्लिसाइज नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज का ये फेस्टिवल जो करने का मुद्दा और मकसद यही है कि यहाँ की जो यहाँ के टूरिज्म पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, चाहे यहाँ के जो है लोकल क्विजीन हो, यहाँ की लोकल जो भी वेराइटीज हैं, यहाँ लोगों को जो है स्टे होम्स के लिए मोटिवेट किया जाए, टेंटेड कॉलोनीज के लिए मोटिवेट किया जाए, जबकि जब आगे यहाँ टूरिस्ट आएंगे उनको बेसिक कुछ फैसिलिटीज भी चाहिए, वो फैसिलिटीज उनके लिए अवेलेबल हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिज्म डिपार्टमेंट का साथ दिया और आज का ये फेस्टिवल वन डे फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाया है, मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आप देखेंगे टूरिज्म फुटफॉल जरूर यहाँ का बढ़ेगा। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो पिछले 2-3 दिनों से हमने पब्लिसिटी की है सोशल मीडिया के जरिए से, पूरे वर्ल्ड में और पूरे मुल्क में इस वक्त जो है बज़ क्रिएट हो गई है कि ये तोसमैदान जगह है कहाँ पे, किस तरीके की वहाँ चीजें हैं।